CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope everyone is fine and fit at home. Today I am taking your class 5th maths, chapter number 5, simplification. बच्चों हमने कल की क्लास में भी चैप्टर 5 के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किए थे, आज हम उनको आगे करेंगे। नया टॉपिक हमने कल रिमार्क्स रूल के बारे में पढ़ा था और आज हम अपना नया रूल पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बोर्ड मार्क्स। ठीक है, बी ओ डी एम ए एस। ठीक है, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर ऑफ, बी स्टैंड फॉर डिविजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, बी का मतलब ब्रैकेट है, ठीक है, ओ का मतलब ऑफ, बी मतलब डिविजन, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। इतना तो हमने रिमार्क्स तक तो हमने कल भी पढ़ लिया था। ठीक है, ये एक नया है बी एंड ओ। अब देखो बच्चों, टाइप ऑफ ब्रैकेट्स यानी इसमें कितने टाइप के ब्रैकेट होते हैं, देयर आर फोर टाइप ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर चार टाइप के आपको ब्रैकेट्स मिलेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे है बार होता है वेंकुलम ब्रैकेट। ठीक है, ये बार ब्रैकेट है, इसका साइन बच्चों ये होता है बार। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दू 5, एक नंबर मैंने ले लिया 5 और एक नंबर मैंने ले लिया 3 और उसके ऊपर मैंने बार लगा, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। ओके बच्चों, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हमारा सेकंड नंबर पे राउंड ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, ये आपका राउंड ब्रैकेट का सिंबल है बच्चों। थर्ड नंबर पे आता है आपका कर्ली ब्रैकेट, ये आपका कर्ली ब्रैकेट का सिंबल है, इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से एंड। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल है। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपको, सबसे पहले हम बी फॉर ब्रैकेट सॉल्व करें। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर आपकी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में बी फोर ब्रैकेट है तो आपको उसको सॉल्व करना है। और मैंने आपको बताया ब्रैकेट भी फोर टाइप्स में होते हैं बच्चों, बताया ना मैंने आपको फोर टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम बार ब्रैकेट है तो बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे हम अपने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, थर्ड नंबर पे कर्ली ब्रैकेट का नंबर आएगा, फोर्थ पे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ऑफ और ऑफ थ्री, फिर इसके बाद हम डिविजन, सेकंड नंबर पे ऑफ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऑफ का रूल लगाएंगे, थर्ड पे हम फिर डिविजन का रूल लगाएंगे, फोर्थ पे मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाएंगे, फिफ्थ पे फिर हम एडिशन का रूल लगाएंगे और सिक्स पे हम सब्ट्रैक्शन का रूल लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका बोर्ड मार्क्स। बच्चों देखो, मैंने ये आपको एक एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख रखा है, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है ना, क्या लिख रखा है, सिक्स डिवाइड ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट है बच्चों देखो, ये कौन सा वाला ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, राउंड ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल था ना, तो ये दोनों के इसमें क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट में क्या होता है। ठीक है बच्चों, सिक्स डिवाइड ब्रैकेट और अंडर ब्रैकेट के क्या लिख रखा है, सिक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखो बोर्ड मार्क्स रूल पे आ जाओ आप, पहले क्या करता है बोर्ड मार्क्स, अगर थ्री फोर ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप थ्री फोर ब्रैकेट को सॉल्व करें। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में हमारे पास थ्री फोर ब्रैकेट है, यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर ही तो प्रॉब है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिख रखा होगा हम उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, सिक्स माइनस थ्री है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे कि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बोर्ड मार्क्स रूल पहले क्या बोलता है बच्चों, बिफोर ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो ब्रैकेट के अंदर तो ये है, तो इसको ब्रैकेट से बाहर भी तो निकालना है ना हमको, तो हम इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस जैसे करेंगे तो ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा, फिर हमारा ब्रैकेट करेंगे अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो सिक्स डिवाइड सिक्स में से थ्री को माइनस करते हैं तो कितना आता है बच्चों, थ्री। ठीक है, अब थ्री का काम हो गया ना,
फोर डिवीजन। यहाँ देखो बच्चों डी और डी थर्ड नंबर पे आपका डी है ना, डी फोर डिवीजन। तो यहाँ देखो बच्चों का ये डिवीजन का सिंबल है, यहाँ डिवीजन का सिंबल आपको दिख रहा है ना यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, सिक्स को जब आप थ्री से डिवाइड करवाते हैं तो बच्चों थ्री टू का क्या होता है सिक्स, तो यहाँ आपका टू क्या आ गया, इस तुम्हारे सॉल्यूशन का आंसर। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, डी फोर ब्रैकेट को सॉल्व किया, यहाँ पर जहाँ भी ब्रैकेट था उसके अंदर जो भी था उसको सॉल्व करना था। वो करने के बाद यहाँ पर सिक्स माइनस थ्री लिखा था ना, हमने उसको सॉल्व कर दिया। फिर जो आया फिर हमने नेक्स्ट चेक किया, वो नहीं था हमारे पास, फिर हम टी पे आ गए, फिर हमने डिवीजन का रूल यहाँ पर लगाया। ठीक है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था ना ब्रैकेट के टाइप, तो देखो ये फर्स्ट नंबर पे अप्लाई करेंगे बार, बार ब्रैकेट है ना, तो फर्स्ट नंबर पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर पे फिर अपना ये स्मॉल ब्रैकेट आएगा, थर्ड नंबर पे ये कौन सा ब्रैकेट था बच्चों, कर्ली ब्रैकेट, लास्ट फोर्थ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बच्चों लास्ट में सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सेकंड देखो इसका, यहाँ पर देखो पॉड मास क्या कहता है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करवाएंगे ये फोर ब्रैकेट देखो, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में कहीं ब्रैकेट का सिंबल है तो यहाँ बच्चों ब्रैकेट का सिंबल आपका, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आप 5 में 13 को ऐड करोगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आपको ये लिखा था 5 प्लस 13। ठीक है, तो 5 में 13 को ऐड करेंगे तो बच्चों कितना होता है 18। ठीक है, और इसको बिल्कुल सेम लिखेंगे डिवाइड बाय 3। बच्चों देखो ऑफ और ऑफ तो है नहीं यहाँ पर, डी फॉर डिवीजन, यहाँ पर देखो कभी डिवाइड का सिंबल है इससे, तो यहाँ देखो बच्चों इन दो नंबर्स के बीच में हमारा डिवाइड का सिंबल है, तो हम यहाँ पर इसके से डिवाइड करवा देंगे। जब हम 18 को 3 से बच्चों डिवाइड करवाते हैं तो 3 के टेबल में 18 कितने पे आता है 6 पे, 3 6 18, तो यहाँ पर हमारा 6 आ गया। इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का आंसर बच्चों आपका कितना आ गया 6। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों, हमने सबसे पहले पॉड मास रूल में देखा बी फॉर ब्रैकेट कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का हमारे पास ब्रैकेट है या नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में ब्रैकेट था और वो किस टाइप का ब्रैकेट था बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट था, तो हमने सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट का रूल अप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसको बिल्कुल सेम ब्रैकेट फिर हमें यहाँ पर देखा ऑफ और ऑफ तो है नहीं वहां पर, देखो ऑफ और ऑफ नहीं है ना, फिर देखा डी फॉर डिवीजन पे आ गए, थर्ड पे आ गया था डी फॉर डिवीजन, तो यहाँ पर हमारा डिवाइड का सिंबल था ना, तो हमने यहाँ पर 18 को 3 से डिवाइड करवा दिया, तो 3 के टेबल में 6 पे 18 आ रहा, तो इस डिवाइड का एक्सप्रेशन का आंसर कितना देना चाहिए आपका 6। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन थर्ड, देखो मुझे सबसे पहले फिर वही पॉड मास रूल चेक करो, फर्स्ट नंबर पे क्या कहता है ब्रैकेट देखो डिवाइड एक्सप्रेशन में, तो याद है बच्चों ब्रैकेट है ना, तो हम इसको बिल्कुल सेम लिखेंगे अपना, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों ब्रैकेट के अंदर देखो क्या लिख रखा है 5 माइनस 3, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होती है उसको सॉल्व करें। ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब ये होता है बच्चों ब्रैकेट के अंदर अगर जैसे 5 प्लस 3 है तो इसको सॉल्व करना, या फिर 5 माइनस 3 या प्लस 3 या कुछ भी लगा लो, तो 5 और 3 कितने होते हैं 8 हो गए, 8 हो गया आपका। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये ब्रैकेट से बाहर निकल जाता है। सिमिलरली यहाँ पर देखो जब हम 5 में से 3 को माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2, और ये 2 ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा, अब आपका ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो बी फॉर ब्रैकेट का फोर मास का हमने पहला रूल अप्लाई कर दिया बी फॉर ब्रैकेट, अब यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहते हैं फोर मास, ओ फॉर ऑफ। ठीक है, यहाँ पर ऑफ का मतलब ही बच्चों मल्टीप्लीकेशन ही होता है,
पर देखो बच्चों, पहले डिवीजन का सिंबल है, इन दो नंबरों के बच्चों, इन दो नंबर्स के बीच में डिवीजन का सिंबल है, तो हम अपना रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसको बिल्कुल सेम लिख देंगे हम, और हम 4 को 2 से डिवाइड करवाएंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 पे यहाँ पर कितना आ गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2 बच गया। अब देखो बच्चों, 3 को डिवीजन भी करवा दिया हमने, अब मैक्स क्या कहते हैं 4 पे, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। देखो यहाँ पर कोई मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर कोई मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, तो इसको भी छोड़ देंगे। ए फॉर एडिशन, देखो एडिशन चेक करो, यहाँ पर इन दो नंबर्स के बीच में जो एडिशन का सिंबल है, तो हम यहाँ पर इसमें 15 में 2 को ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे बच्चों 17। इस हमारी कल एक्सप्रेशन का आंसर कितना आ गया बच्चों 17। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपना बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा सबसे पहले क्या होता है, क्या होता है सबसे पहले बिफोर ब्रैकेट, चेक करो यहाँ पर कोई ब्रैकेट है इस क्वेश्चन में। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक तो ये वाला, कौन सा ब्रैकेट है बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, और एक ये वाला, ये कौन सा ब्रैकेट है बच्चों, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, अभी जब हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें एक ही ब्रैकेट था, ठीक है, तो यहाँ पर दो ब्रैकेट है, तो अब यहाँ पर आ जाओ बच्चों, यहाँ चेक करो, ठीक है। सबसे पहले कौन सा वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है बच्चों, बार ब्रैकेट, सेकंड नंबर पे स्मॉल ब्रैकेट, थर्ड पे कर्ली ब्रैकेट, फोर्थ पे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर भी लिख रखा है मैंने, फर्स्ट नंबर पे आपका बार ब्रैकेट, सेकंड नंबर पे स्मॉल ब्रैकेट, थर्ड पे आपका कर्ली ब्रैकेट, फोर्थ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट है बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट है ना, ये देखो, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है 7-2, तो हम सबसे पहले अपना रूल यहीं पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। बोर्ड मास का बिफोर ब्रैकेट रूल जो है, सबसे पहले ये वाला ओपन होगा, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट ओपन होगा बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा, इसके ओपन होने के बाद फिर ये कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है। देखो 20 बिल्कुल सेम लिखेंगे, माइनस 15 डिवाइड, अब हम यहाँ पर अपना स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट पे क्या है बच्चों, 7-2, यानी 7 में से 2 गया तो कितने बचे बच्चों, 5, ठीक है। अब बच्चों आपका ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो चुका है, इसके अंदर जो भी 7 में से 2 को माइनस किया 5 आया, तो यहाँ पर अब हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इस टाइप से देखो 7-2 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर था ना बच्चों, तो इसका 5 आ गया, 7 में से 2 माइनस किए, 2 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया बच्चों, 5 आ गया, ठीक है। अब हमें इसको इस टाइप से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, तो आप ये वाला सिंबल नहीं लगाएंगे, आप ब्रैकेट को नहीं लगाएंगे, ये ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो ये 5 को आप ऐसे लिखेंगे। आगे देखो बच्चों, अब हमें कौन सा, अभी भी ब्रैकेट तो रह रहा है ना यहाँ पर, बिफोर ब्रैकेट का रूल अभी भी रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट अभी भी, यहाँ पर ये चीज कर्ली ब्रैकेट में है, ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या है 15 डिवाइड 5, यही लिख रखा है ना, तो 15 को बच्चों जब 5 से डिवाइड करवाते हैं तो कितना आता है, 5 5 5 5 2 10 5 3 15, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 3, और ये ब्रैकेट भी ओपन हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, बी फॉर ब्रैकेट, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखो कोई ब्रैकेट दिख रहा है आपको, नहीं, तो हमारा बी फॉर ब्रैकेट का रोल कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओ फॉर ऑफ, ये तो है ही नहीं यहाँ पर, है इस क्वेश्चन में कहीं पर ओ फॉर ऑफ, ऑफ लिख रखा है यहाँ पर, नहीं, ठीक है। B for division भी नहीं है यहाँ पर, M for multiplication भी नहीं है यहाँ पर, A for addition भी नहीं है यहाँ पर दो numbers के बीच में, last में देखो बच्चों S for subtraction दे रखा है, जो कि यहाँ पर दो numbers के बीच में subtraction का sign है, subtraction का symbol है, तो हम इस last वाले rule को apply करते हैं, ठीक है। तो 20 में से बच्चों जब 3 को minus करते हैं, subtract करते हैं, तो कितना आता है 17, ठीक है, 20
एक्सप्रेशन का आंसर कितना आ गया बच्चों 17। दोबारा देख लो, सबसे पहले हम अपने इस रूल पे आते हैं, बॉल मास रूल पे। तो बी फॉर ब्रैकेट, ठीक है। अब ब्रैकेट यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन में टू टाइप्स के ब्रैकेट थे, एक तो था आपका स्मॉल ब्रैकेट, एक था आपका कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट वाले वैल्यू को सॉल्व करते हैं, कर्ली ब्रैकेट वाले वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो दे रखा है स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, ठीक है, पहले बार ब्रैकेट होता है, लेकिन यहाँ पर बार ब्रैकेट तो नहीं है ना। तो फिर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा पहले सॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो टू टाइप्स के ब्रैकेट है, एक हमने क्वेश्चन में दिख रहा है स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा दिख रहा है कर्ली ब्रैकेट। तो हमारा पहले जो ये लगेगा स्मॉल ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में 7-2 जो है वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, तो 7-2 को जब माइनस करेंगे कितना आता है बच्चों 5, तो ये लिख दिया। फिर हमने अपना कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, फिर हमने देखा ये जो जितने भी है यहाँ पर दो नंबर्स के बीच में ऐसा कोई भी साइन सिंबल नहीं है, तो हम लास्ट पे आ गए एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, वो यहाँ पर इन दो नंबर्स के बीच में था, तो हमने 20 में से 3 को माइनस कर दिया, 17 आ गया। इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का आंसर बच्चों आपका कितना आ गया 17, ठीक है। देखो बच्चों ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन, देखो 20-, ये आपका कर्ली ब्रैकेट बच्चों यहाँ पर ओपन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है। अब इस कर्ली ब्रैकेट में भी आपको वैल्यू दे रखी है और वो क्या है 18 डिवाइड, और ये आपका स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो गया और यहाँ पर ये क्लोज होगा, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट में देखो क्या है 7-2+1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों इसको बॉर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग देखो क्या आएगा बी फॉर ब्रैकेट। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास टू टाइप्स के ब्रैकेट है, पहला कौन सा ब्रैकेट है आपका स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा कौन सा ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखो बच्चों पहले नंबर पे आपका बार आता है, लेकिन यहाँ पर तो कहीं बार है नहीं, तो दूसरे पे कौन सा सॉल्व होएगा बच्चों स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होएगा। तो हम अपना स्मॉल ब्रैकेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको बिल्कुल सेम लिखेंगे हम, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 18 बिल्कुल सेम आएगा, डिवाइड का सिंबल बिल्कुल सेम आएगा। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है बच्चों हमें सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, यहाँ देखो 7-2+1 ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या होता है बच्चों, देखो 7 और 1 दोनों प्लस का है, ठीक है, तो पहले ये ऐड हो जाएगा, डिमास रूल हमने पढ़ा था ना उसके अकॉर्डिंग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बच्चों। डिमास रूल क्या कहता है, पहले एडिशन करेंगे फिर बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 7 और 1 के बीच में प्रॉपर्टी लगा देंगे, 7 और 1 हो गया आपका 8, और -2 को बिल्कुल सेम लिख देंगे, 8 में से 2 हो गया बच्चों 6। तो आपका ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन करने के बाद 6 आता है, ठीक है, यहाँ भी नहीं हुआ था ये ओपन, अब हुआ है लास्ट में जाकर, क्योंकि यहाँ पर अभी तो -2 बच रहा था ना, तो यहाँ पर तो 8 में से 2 को माइनस किया 6 आ गया, यहाँ पर आपका स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो गया। तो इस एक्सप्रेशन को, इस वैल्यू को जब आपने सॉल्व किया तो आपका कितना आया बच्चों 6। आपको ये यहीं पर ही करनी है, आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 7+1 8, 8-2 6 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, साइड में सॉल्व एक बार करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये कितना आ गया बच्चों 6 आ गया, और यहाँ पर क्या दे रखा है फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज तो करना ही है ना, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों अब क्या करना है, अब क्या करेंगे हम कर्ली ब्रैकेट, अभी तो ब्रैकेट बच रहा है ना, बी फोर ब्रैकेट तो खत्म हुआ ही नहीं है ना, सेकंड जो कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर जो वैल्यू है उसको सॉल्व करेंगे। देखो 20-18 और 6 है, 18 डिवाइड 6 कर्ली ब्रैकेट में आपके 18 डिवाइड बाय 6 लिख रखा है, तो इसको देखो 6 की टेबल में बच्चों 18 कितने पे आता है 3 पे, जब आप इसको 3 लिखेंगे तो आपका ये कर्ली ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी प्रॉपर्टी लगनी थी वो आपने लगा दी, ठीक है, तो ये ओपन हो गया। अब देखो बच्चों बी फॉर ब्रैकेट यहाँ पर बचा नहीं है, ओ फॉर ओ भी यहाँ पर नहीं बचा,
फॉर डिवीजन की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर नहीं लगानी है क्योंकि दो नंबर के बीच में डिवाइड का सिंबल नहीं है। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है यहाँ पर, ए फॉर एडिशन भी नहीं है, लास्ट में आ जाते हैं एच फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का सिंबल है इन दो नंबर्स के बीच में। तो जब बच्चों आप 20 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बच्चों आपका 17, ठीक है। तो आपकी इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का आंसर कितना आ गया बच्चों 17। बच्चों आप इस टाइप्स के सम्स को ट्राई करना, ठीक है, और इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सम्स को सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज के, ठीक है। थैंक यू बच्चों।